हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू आदर्श क्लासेस। आज आम रेखा और कोण पाठर अनुशीलन एक बी को संपूर्ण रूपे करवा। भिडियो को शेष पर्यटन देखु। आमती प्रत्येक सब्जेक्टर प्रत्येक चैप्टर क्वेश्चन आंसर अपडेट पाया चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन को क्लिक कर दिंतु। तेज चलतु आज आम अनुशीलन एक बीर क ख आउ ग विभाग प्रत्येक क्वेश्चन रा सटिक आंसर कौन हम डिस्कसन करवा। तो गोटे गोटे कर सब जगह क्वेश्चन डिस्कसन करवा। भिडियो को शेष पर्यटन देखु। तो प्रथम जीवा आम क विभाग को। क विभाग रे देख एक नंबर से कही निम्नलिखित पदगुड़िकर संज्ञा लेख। यही पदगुड़िकर संज्ञा लेख कही कौन कौन दे कोणर अंतर्देश सन्निहित कोण प्रतिपकोण परिपूरक कोण और अनुपूरक कोण। तो प्रथम देखा आम कोणर अंतर्देश। तो देख मनकर ए बी सी गोटे कोण हुए बी सी कौन जे ए रपरीत पार्श्व अवस्थित है ए बी कौन जे सी रपरीत पार्श्व अवस्थित तेज ए बी सी छेद कौन कहुए यार अंतर्देश है एंगेल ए बी सी कौन कहुए ए बी सी कोणर अंतर्देश बुझा पड़ा। तापर सन्निहित कोण। सन्निहित कोण क्या कहुए ना दुईट कोणर साधारण बाहू और कोण द्वार अन्य बाहु द्वारा साधारण बाहुर विपरीत पार्श्वर विस्तृत हेले से सन्निहित कोण कहुए है दुईट कोणर गोटे साधारण बाहु दुईट कोणर गोटे साधारण बाहु मनकर भाव ए ओ बी गोटे कोण ए दुईटा कोणर ओ सी गोटे कोण साधारण बाहु अच्छे एवं कोण द्वार अन्य बाहु द्वय साधारण बाहुर विपरीत पार्श्वर विस्तृत यही कोणर अन्य बाहु कोड़ा गुड़ा एओ आउ ए बी कौन जे साधारण बाहु कोड़ा सीओ सीओर अन्य दुई पार्श्वे विस्तृत हेले कौन कहुए सन्निहित कोण। सर्टकट कहले लग लगे कोण कौन कहुए सन्निहित कोण बुझा पड़ा। जो कोण लग लगी था कौन कहुए सन्निहित कोण बुझा पड़ा। किंतु आमर मैथमेटिक्स भाषा अनुसार आमको एमती लिखा पड़ो दुईट कोणर गोटे साधारण बाहु आउ कोण द्वारा अन्य बाहु द्वारा साधारण बाहुर विपरीत पार्श्वे विस्तृत हेले से सन्निहित कोण कह। तापर जो प्रतिपकोण। प्रतिपकोण माने कौन देख गोटे कोणर बाहु द्वार विपरीत रश्मि मान द्वारा गठित कोण को उक्त कोणर प्रतिपकोण कह। गोटे कोणर बाहु द्वार विपरीत रश्मि मान ये गोटे कोण भावि ये बाहु द्वारा विपरीत रश्मि ए बाहु देख विपरीत रश्मि कोड़ा एडा हम ए बाहुर विपरीत रश्मि कोड़ा एडा हम। तो जो दुईटा कोण गठित होगा से दुईटा कोण कौन कहुए प्रतिपकोण बुझा पड़ा। तापर परिपूरक कोण। परिपूरक माने कौन ना दुईट कोणर परिमाण समष्टि 180 डिग्री हेले कौन कह परिपूरक कोण। अनुपूरक कोण ना दुईट कोणर परिमाण समष्टि 90 डिग्री हेले कौन कह अनुपूरक कोण बुझा पड़ा। तापर जा दुई नंबर को निम्न प्रश्न गुड़िकर उत्तर दि कौन दे गोटे कोण में केतोटी बाहु थाए गोटे कोण में केतोटी बाहु थाए आंसर है गोटे कोण में टे रु गोटे कोण में दुईट बाहु थाए गोटे कोण दुईटा बाहु थाए आंसर है दुईट ओके। तापर गोटे कोणर केतोटे शीर्ष बिंदु थाए गोटे कोणर शीर्ष बिंदु के थाए देख गोटे कोणर के थाए गोटे शीर्ष बिंदु आंसर है एकटी ओके। कोणर अंतर्देश केतोटी बिंदु थाए कोणर अंतर्देश कौटा मैंने भावने कौन गोटे कोणर अंतर्देश से अंतर्देश में केतोटी बिंदु थाए केतोटी थाए आम गणी पारे असंख्य आंसर है असंख्य। तापर कोण और यार अंतर्देश छेदर केतोटी बिंदु थाए कोण आउ अंतर्देश छेद ये गोटे कोण तर अंतर्देश छेद केतोटी बिंदु थाए कि न थाए आंसर है आद न थाए ओके। तापर जा तीन नंबर को तीन नंबर देख कौन दे निम्न दिया जाता तालिकार क्यों गुड़िक उत्तल सेट दर्शाओ एमदे कौटा गुड़ा उत्तल सेट दर्शा कर। तो उत्तल सेट कौटा गुड़ा हम प्रथम रेखाखंड रश्मि रेखा है कोणर अंतर्देश आमतल ये कौन गोटे गोटे उत्तल सेट कि कोणर बहिर्देश उत्तल सेट हेनी कि कोण गोटे कौन उत्तल सेट हेनी ओके। तापर जी आम चार नंबर को चार नंबर कौन कही तीनोटी सरल रेखा परस्पर को छेद करुवा एक चित्र अंकन कर तप्तर चित्र को देखिए प्रतिभा कोण जोड़ा गुड़क चिन्हाओ तीन टा सरल रेखा परस्पर को छेद करुवा एक चित्र अंकन कर यही टाइप चित्र गोटे तीन टा सरल रेखा परस्पर को छेद कर बुझा पड़ा। कलापर से प्रतिभा कोण मान जोड़ी गुड़ी लिख ए प्रतिभा कोण कोड़ा गुड़ा हम देखे कोण कोड़ा गुड़ा हम देख ए सी सत किए प्रतिभा हम ना बी ओ डी हम
तापर ए एफ सहित किए हम ना इओ बी हम तापर इओ इ सहित किए हम ना एफ ओ डी हम बुझा पड़ा यही सब कौन गोटे गोटे प्रतिब कोण जोड़ी बुझा पड़ा लिखीदे कौन कौन एओ सी सहित प्रतिब किए बीओ डी सीओ इ सहित किए डीओ एफ एओ इ सहित किए बीओ एफ एओ एफ सहित किए बीओ एफ ओ सी रतिब कौन हम एफ ओ इओ डी बुझा पड़ा तापर पाँच नंबर क्वेश्चन जीवा दुईटी सरल रेखा परस्पर को गोटे बिंदु छेद करुवा चित्र अंकन कर तप्तर चित्रर सन्निहित परिपूरक कोण जोड़ा गुड़क लेख सन्निहित परिपूरक मान कौन सन्निहित हो प्लस परिपूरक हो सन्निहित मान कौन ना लग लगि प्लस परिपूरक मान कौन ना दुईटा कोण मिस लिखित होे अशी डिग्री हो बुझा पड़ा तो दुईटा सरल रेखा परस्पर को छेद करुवा गोटे बिंदु छेद करुवा रश्मि सरी चित्र अंकन कर सन्निहित कोण कूड़ा कूड़ा चिन्ह तो देख दुईटा सरल रेखा परस्पर को छेद कले कौ बिंदु छेद कले ना ओ बिंदु सरल रेखा कूड़ा कूड़ा ना ए बी आउ सी डी गले परस्पर को ओ बिंदु छेद कले तो ये सन्निहित कोण कूड़ा कूड़ा उत्पन्न है देख सन्निहित कोण कूड़ा कूड़ा हम देख मन कर ये देख सी ओ डी रे एओ छेद कला बुझा पड़ा ये गोटे ये कौन सन्निहित परिपूरक बुझा पड़ा हो एंगल एओ सी आउ एंगल एओ डी ये कौन सन्निहित परिपूरक सेमती एपटे एंगल सीओ बी एंगल बीओ डी ए दुटा कौन सन्निहित परिपूरक बुझा पड़ा लिखिदेव एओ सी सहित सन्निहित परिपूरक एंगल एओ डी बीओ सी सहित सन्निहित परिपूरक एंगल बीओ डी ओके तापर जी आम छ नंबर को कौन दे एक्स वाई सरल रेखार विपरीत पार्श्वर एम ओ एन बिंदु को चिन्हट कर अंकित सरल रेखार एन पार्श्वर सी बिंदु एवं एम पार्श्वर बी बिंदु चिन्हट कर चित्र माध्यम दर्शाओ जे बी एम ओ एन सी रेखाखंड द्वय सरल रेखार विपरीत पार्श्वर अवस्थित है कौन कही एक्स वाई सरल रेखार विपरीत पार्श्वर एम ओ एन बिंदु चिन्हट कर एक्स वाई गोटे सरल रेखा तार विपरीत पार्श्वर एम बिंदु आउ एन बिंदु चिन्हट करदेव अंकित सरल रेखार एन पार्श्वर सी बिंदु एन पार्श्वर सी बिंदु नवा एम पार्श्वर बी बिंदु नवा है एम बी को आउ एन सी को जोग करवा तापर जो प्रमाण करा जे एम बी आउ एन सी एक्स वाई विपरीत पार्श्वर अवस्थान करती बुझा पड़ा हो गया चित्र जना पड़ जाऊँ एम बी आउ एन सी कौन एक्स वाई विपरीत पार्श्वर अवस्थान करेंगे बास यही चित्रटी करदेव आशा करूँ समस्त बुझा पड़ो जहाँ को जहाँ बुझा पड़े मत कमेंट करके जनातु एबे जीवा आमे सात नंबर को निम्न प्रश्न गुड़िकर उत्तर दियो आवश्यक स्थले चित्र अंकन कर हैला ए प्रश्न गुड़िकर उत्तर दियो केमिति ना चित्र अंकन करके कौन दे एक्स बिंदु ए बी ऊपर अवस्थित न हेले ओ ए ओ बी हेले एक्स सॉरी एम एंगल एक्स ओ ए प्लस एम एंगल एक्स ओ बी इक्वल टू केते से देज कौन एक्स बिंदु ए बी ऊपर अवस्थित न हेले एक्स बिंदु कौन ए बी ऊपर अवस्थान करे ना ये ए बी भावि ये ए बी एक्स बिंदु कौन जे ए बी उपर अवस्थान करूनि बुझा पड़ा आउ एओ बी ए बी मझे किए अच्छी ओ अच्छी तेज एक्स ओ ए अंकन करदे एक्स ओ ए एक्स ओ ए एवं एम एंगल एक्स ओ बी दुटा के हम एटा कि कौन होगा ना सन्निहित परिपूरक कौन बुझा पड़ा तो एक्स ओ एक्स ओ बी मिसे के शहे अशी डिग्री है चित्र मुझे देखी दूसरी देख देख एक्सओ एक्सओ बी के शहे अशी डिग्री तापर जीवा डबल आई को कौन दे एओ सी डी छेद बिंदु ओ हेले एंगल एओ सी प्रतिब कोण कौटा ए बी आउ सी डी छेद बिंदु ओ ए बी आउ सी डी छेद बिंदु ओ हेले एंगल एओ सी ए बी सी डी छेद बिंदु ओ हेले एओ सी प्रतिब कोण किए हम ना बीओ डी हम बुझा पड़ा किए हम बीओ डी लिख एंगल बीओ डी चित्र देखा देख एओ सी ए बी आउ सी डी छेद बिंदु ओ हेले एओ सी प्रतिब किए हम ना बीओ डी ओके तापर जी आम ट्रिपल आई को कौन दे सी सी एंगल एओ बी अंतस्थ बिंदु एओ सी इक्वाल टू एक्स ओ एम एंगल एओ बी इक्वाल टू वाई हेले एम एंगल बीओ सी के से कही सी एओ बी अंतस्थ बिंदु है एंगल एओ बी ये एओ बी अंतस्थ बिंदु किए ना सी बुझा पड़ा एंगल एओ सी इक्स इज इक्वाल टू एक्स डिग्री एओ सी के एक्स डिग्री
आउ ए ओ बी ए ओ बी के वाई डिग्री है बुझे चेस्ट कर ए ओ बी देते वाई मैंने कौन ए टोटालटा के वाई डिग्री कि ए ओ एक्स के एक्स डिग्री बी ओ सी के वाई रु एक्स फिर देवा वाई माइनस एक्स बुझा पड़ा देखो आंसरटा है से कह कौन ए ओ बी के वाई डिग्री टोटाल के वाई डिग्री कि ए ओ सी के एक्स डिग्री तो आम बी ओ सी के वाई माइनस एक्स ओके तापर जीवा लास्ट क्वेश्चन को कौन कह दुईट सरलरेखा परस्पर को छेद कले उत्पन्न होता कोण गुड़िक गोटे कोण परिमाण तीस डिग्री हुए तेबे यार प्रत्येक कोण परिमेय कोण परिमाण के हम से कही दुईट सरलरेखा परस्पर को छेद कले दुईट सरलरेखा परस्पर को छेद कले उत्पन्न होता कोण गुड़िकदि गोटे कोण परिमाण तीस डिग्री हुए जदि गोटे कोण हुए के तीस डिग्री तेबे यार प्रत्येक कोण परिमेय कोण परिमाण के हम या प्रत्येक कोण किए ये यार मत के तीस डिग्री हो तर परिपूर्ण किए हम ना ये हम ना ये हम बुझा पड़ा यार परिमाण के हाँ ना शह अशी डिग्री तीस डिग्री फिर दब फिड़ दिव के शह अशी तीस गल के शहे पचास आंसर हो शे पचास डिग्री बुझा पड़ा तो ये सरला तुम क विभाग तापर जीवा आम ख विभाग को देख ख विभाग प्रथम क्वेश्चन कही एम एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एक्स और एम एंगल ए ओ बी अनुरूपूरक कोण परिमाण टू एक्स डिग्री हेले एक्स मान डिग्री में प्रकाश कर ए बी सी के एक्स डिग्री है ए ओ बी के टू एक्स तो एक्स प्लस टू एक्स इक्वल के नब्बे डिग्री कहीं कौन दीजिए अनुपूरक कोण बुझा पड़ा तो एक्स टू एक्स के थ्री एक्स इक्वल टू नब्बे एक्स इक्वल के नब्बे बै तीन तीन एक तीन 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 नौ के तीस डिग्री तापर डबल आई कही कौन कह डबल आई गोटे कोण परिमाण यार परिपूरक कोण परिमाण दुई गुण अठ डिग्री अधिक हेल्ले कोणटर परिमाण के निर्णय कर मन कर कोण परिमाण एक्स नहीं जाओ तार परिपूरक कोण किए हम ना शहश माइनस एक्स हम बुझा पड़ा तेब गोटे कोण परिमाण यार परिपूरक कोण परिमाण दुई गुण अठर अधिक मानते कौन ये दुई गुण की तार कौन अठरटा अधिक हम बुझा पड़ा तो प्रश्न अनुसार कौन हो ना एक्स इक्वाल टू टू अफ शहे अशी माइनस एक्स प्लस अठर दुईटा भितर गुण देते शह अशी गुण दुई तीन षाठी ये टू एक्स प्लस अठर बुझा पड़ा तो टू एक्स मुझे नहीं पलिस एक्स प्लस टू एक्स इक्वाल टू तीन षाठी प्लस अठर के तीन शौ अठस्तरी तो थ्री एक्स इक्वाल केन शौ अठस्तरी एक्स इक्वाल के तीन शौ अठस्तरी बै तीन काचिल के शहे छब्बीस डिग्री बुझा पड़ा तो एक्सर परिमाण के शहे छब्बीस डिग्री तापर जा ट्रिपल आई को गोटे कोण परिमाण तहार परिपूरक कोण परिमाण एक पंचमांश हेले कोणटर परिमाण के मनकर कोण नहीं एक्स डिग्री तार परिपूरक कोण के ना शहे माइनस एक्स डिग्री बुझा पड़ा तार पंचमांश मान कौन तार पांच भाग मान कौन शहे माइनस एक्स बै पांच भाग प्रश्न अनुसार एक्स इक्वाल टू शहे अशी माइनस एक्स बै पाँच तो एक्स को आम गुण देवा गुण लेते जाओ ना फाइव एक्स इक्वाल टू शहे माइनस एक्स बुझा पड़ा ए एक्स को एपट नहीं पलिस फाइव एक्स प्लस एक्स इक्वाल शह अशी सिक्स एक्स इक्वाल टू शह अशी एक्स इक्वाल के शह अशी बै छः छः एक छः छः तरीके अठर तीस डिग्री तो आंसर के तीस डिग्री बुझा पड़ा तापर जा चार नंबर को दुईट सन्नीहत परिपूरक कोण परिमाण अनुपात चार अनुपात पाँच हेल्ले कोण परिमाण के सन्नीहत परिपूरक मान कौन दुईटा कोण मिसिले के होती शह अशी डिग्री बुझा पड़ा अनुपात के चार अनुपात पाँच मानते फोर एक्स आ फाइव एक्स फोर एक्स प्लस फाइव एक्स इक्वाल टू शह अशी डिग्री है तो फोर एक्स फाइव एक्स के नाइन एक्स इक्वाल शह अशी डिग्री एक्स के शह अशी बै नाइन कटकट गल के कोड़े डिग्री बुझा पड़ा तो एक्स जदि कोड़े आई है तो फोर एक्स के चार इंटु कोड़े अशी फाइव एक्स के फाइव इंटु कोड़े शहे है अशी डिग्री आउ शहे डिग्री तापर जा पाँच नंबर को कौन दे गोटे कोण परिमाण तहार परिपूरक कोण परिमाण ठारू कोड़े डिग्री कम हेल्ले कोणटर परिमाण निर्णय कर गोटे कोण परिमाण मनकर एक्स नहीं जाओ तार परिपूरक कोण परिमाण के ना शहे माइनस एक्स ताठू कोड़े डिग्री कौन से ये कम मान एक्स इक्वाल टू शहे माइनस एक्स माइनस कोड़े है ए एक्स को एपट नहीं प्लस एक्स प्लस एक्स टू एक्स हो शहे कोड़े गोल के शह षाठी तो टू एक्स इक्वाल टू शह षाठी एक्स इक्वाल के शह षाठी बै दुई काटिले के अशी डिग्री है अर्थात कोण परिमाण के शहे अशी डिग्री तापर जा
भि आई क्वेश्चन को दुईट संयुक्त परिवार कोण परिमाण अंतर तीस डिग्री हेले कोण द्वारा परिमाण के संयुक्त परिवार कोण अंतर के तीस डिग्री मनकर गोटे कोण एक्स हेले तार संयुक्त परिवार कोण के से माइनस एक्स हो दुईटा फिले के आसत तीस डिग्री है प्रश्न अनुसार एक्स माइनस शहे माइनस एक्स इक्वाल टू तीस डिग्री माइनस भितर गुण दे माइनस शहे अशी होगा माइनस माइनस प्लस एक्स होगा तो प्लस एक्स के प्लस टू एक्स इक्वाल टू शहे अशी एपटे प्लस प्लस शहे अशी प्लस शहे तीस के दुश दस एक्स इक्वाल के दुश दस बजे दुई शहे पाँच डिग्री तो एक्स के शहे पाँच डिग्री तो शहे अशी माइनस एक्स के शहे अशी माइनस शहे पाँच इक्वाल के पंचस्तर डिग्री तो कोण द्वारा परिमाण के पंचस्तर डिग्री आउ शहे पाँच डिग्री तापर जी लास्ट क्वेश्चन को गोटे कोणर परिमाण तार अनुपूरक कोणर परिमाण एक पंचमांश हेले कोणटर परिमाण के मनकर कोणर परिमाण एक्स नहीं तो अनुपूरक कोण मैंने कौन नबे माइनस एक्स तार पंचमांश मैंने कौन नबे माइनस एक्स बै पाँच बुझा पड़ा अर्थात एक्स इक्वाल टू नबे माइनस एक्स बै पाँच पाँच को आम गुण देवा फाइव एक्स इक्वाल के नबे माइनस एक्स फाइव एक्स प्लस एक्स एक्स को इपटे प्लस सिक्स एक्स इक्वाल के नबे एक्स इक्वाल के नबे बै छ छे छ पंद्रह बुझा पड़ा एक्स के पंद्रह अर्थात कोणटर परिमाण के पंद्रह डिग्री तो आज आम क आउ ख विभाग एक टू आठ नंबर जाए देखिले नेक्स्ट भिडर आम नौ टू है नौ दस आउ एगार बार तेरह चौदह पंद्रह षोह सतर ये क्वेश्चन आम नेक्स्ट भिडर देखा आशा करूँ आज भिडियो भल लगे जदि भल लगे तो गोटे लाइक करूँ आउ सेयर कर जमार भूलं नहीं चैनल को नुआ आसी सब्सक्राइब कर दिंतु आउ पाखे बेल आइकन को क्लिक कर दिंतु थैंक यू।